आज का दिन जो है वो मैं अरीब के साथ स्पेंड करने वाली हूँ। आपने कटिंग कराई है ना? हाँ। तो आप इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि आप शलवार कमीज पहना करें? मैं डायरेक्टली कह देता हूँ, आप मिलना ही सारे अच्छे लग रहे हैं मुझे ना, ये सारे है। ऐसी नहीं है आपने कभी पहनी यार? मैं ऐसी पहनी अरीब जैनब क्यों बन रहे हैं आप? एक बार ऐसा हुआ की एक कुछ लिए बगैर मॉल से जा रही है और अरीब के हाथ फूल है। वाह वाह, मर्द वैसे कमाल है। ठीक, मर्द वैसे कमाल है। आई अल्लाह यार, इसके यहाँ पे कॉकरोच है, रुको। और आप अंदर गिरा Welcome to astrology. This is me, Iqra Kamal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. और आज का दिन बड़ा प्यारा क्योंकि मैं बहुत प्यारी बनी हुई हूँ इस वक्त। आज का दिन जो है वो मैं अरीब के साथ स्पेंड करने वाली हूँ। अरीब मुझे शॉपिंग पे लेकर जाएंगे, जो मैं उनको कहूंगी वो करेंगे। थोड़ी देर में अरीब जो है वो पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो पहुंचते हैं आप लोगों को भी मिलवाऊंगी, खुद भी मिलूंगी, इसीलिए मैं इतनी तैयार हुई हूँ। अब समझ आ गया मेरी इस तैयारी का कारण? मेरा एक अदद बैग यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है जी हेरा फैसल ने जिसपे कब्जा किया हुआ है। इसका माल हम यहाँ से निकालेंगे और अपना माल इसमें करेंगे शिफ्ट। मुसीबत लगती है मुझे कि बैग की शिफ्टिंग, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते होंगे कि कितना प्रॉब्लम होता है बैग शिफ्ट करना। चॉकलेट दूंगी अरीब को आज। तो गाइस मैं नीचे आ गई थी और यहाँ राबिया को तो मैं बताने वाली हूँ। राबिया आई एम क्या मतलब अरीब के साथ शॉपिंग पे जा रही है? कपड़े नहीं है, पटियाला शलवार। ये देखें गाइस, मैंने पटियाला शलवार पहनी। नेचुरल बन के जाओ यार, ये नहीं अच्छा लग रहा। सही बताओ यार, इतना चेंज करके आई हूँ, इतना थोड़ा सा शर्ट पहनो, कैजुअल पहनो, कैसा लग रहा? तैयार होके नहीं जाते, ज्यादा लोग तैयार होके मॉल में वो लग रहा यार। मैं सिंपल और प्लेन कुछ पहने लगी, मेरी बहन ने दिल खराब कर दिया। अगर पता लगे 5 मिनट में अरीब पर, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में मैं तैयार। ये शर्ट पहना साथ ही जींस पहने, जो पड़ा है सामने वही करते हैं लोग, ऐसे पहनो, फिर देखा कितने सीरियस। चलो गाइस ट्राई करती हूँ, लेट्स सी। बहनों के कहने पे मानना पड़ता, नहीं तो ये आपको जीना हराम कर देंगे। फिर आपको ये तुम क्या कर रही हो, मैंने इतनी मुश्किल से जाके हीरा का बैग बदला। चलो गाइस दोबारा तैयार होती हूँ। या अल्लाह मुझे ब्लैक का मशवरा देखे, कैसे बाल कुतर रही हो प्या, पागल हो गई हो? नजर आ रहा है मुझे तुम्हारे, ठीक है गाइस? अपने बाल ठीक कर, अब मुझे अच्छे से गोल्डन इयररिंग्स दो जल्दी से। वो बाल मुंचुन काट लिए राबिया, बताओ आप ठीक लग रही हो? तैयार हो गई, लग रही हो ना मॉल वाली? लग रही हूँ सही, फुल लुक। तो आज मैं अरीब को बोलूंगी कि मेरी फुल लुक दिखाएं, ठीक है? ठीक है चलो, अब कुछ चाहिए? अभी आया ही नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? बैठ वेट करो, आप वेट करो और मैं अब चेक करके आती हूँ कौन आया। आप कौन? मुझे पता है वाकई, बल्कि आज नहीं आपको पता है मैं बोल। क्यों आज क्यों नहीं पता? क्यों, ऐसा क्या किया? एक मिनट रुको जरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अरीब, मैंने वाकई नहीं भेजा। आपने कटिंग कराई है ना? आपने दाढ़ी भी छोटी कराई है ना? यार छोटे छोटे लग रहे हैं इन्ने, मासूम। आई अल्लाह, आप लोगों को नहीं लग रहे चेहरे? मॉल अरीब बंद होने वाले, मैं आपको दिखा दूंगा। इस टाइम 9:50 हो गए, मतलब 8:50 सॉरी। चले ओके ओके, हम लोग अम्मा से मिल लिया है, लाइटें फाइटें करेंगे, ओ ये वाली नहीं ये वाली करेंगे बंद, और अब हम निकलने लगे हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरीब ने मेरी वैसे फुल लुक ही नहीं दिखाई है। हमेशा लोग कहते हैं कि जब भी आप अरीब भाई के साथ जाएं तो उनको बोलें कि आप फुल लुक दिखाया करें। बहुत प्यारी माशाल्लाह। आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, मेरे कहने पे क्यों कहा? फिर राबिया ने ऊपर से मुझे कपड़े चेंज करने के लिए कह दिया। आपको तो पता ही नहीं अरीब, अभी मैं पहले कैसे तैयार हुई हुई थी। कैसी? आपको नहीं पता मैं कैसी तैयार हुई हुई थी पहले? कैसी? आप मुझे देखते, आपने कहा था तुम किसके वलीमे पे जा रही हो? बकौल राबिया के मैंने व्लॉग बनाया, आपको उसमें दिखेगा की मैंने येलो कलर और पिंक कलर का ड्रेस पहना था और मैंने शलवार कमीज पहनी थी। लेकिन राबिया कहती है यार आप भी खुदा का खौफ करो। ऐसे मुझे शलवार कमीज पसंद है, शलवार कमीज ज्यादा पसंद है। अच्छा, लड़कों को वैसे ही शलवार कमीज पसंद होती है, ट्रेडिशनल है। तो आप इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि आप शलवार कमीज पहना करें? मैं डायरेक्टली कह देता हूँ। हाँ, तो इनडायरेक्टली क्यों कह रहे हैं और डायरेक्टली बोला करें? अब टू कर रही है गाड़ी, इट्स मीन के किसी ने सीट सीट बेल्ट जो है ना, ये सीट बेल्ट जो है ना ये आपको असल में लगा लिया
लगा लिया ना। और अक्सर पता है कुछ हमारी वीडियोस पीछे आई थी, लोग पूछ रहे थे अब नहीं आप लोग सीट बेल्ट वाला शुगर लगाते। मैं कहती हूँ भाई हम लगाते हैं, कभी हम रिकॉर्ड करते हैं कभी हम नहीं करते। खैर अभी हमारे पास टाइम कम है, हम अरीब आप मुझे लेकर जाएंगे। आज हम करेंगे अरीब से फरमाइशें पूरा टाइम जब तक हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। वैसे भी करती हैं आप। अभी से मेरी फरमाइशों से तंग आ गया। नहीं मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं ये मेरी ना कहते हैं नेट प्रैक्टिस हो रही है, अभी इससे प्रैक्टिस कर रहा हूं। अच्छा ये अब लड़कों की एक अपनी लैंग्वेज है नेट प्रैक्टिस है, मुझे क्या पता मैं कोई खिलाड़ी थोड़ी हूँ। तो आज हम आपसे फरमाइश करेंगे कि आप हमें शॉपिंग कराएंगे। अच्छा। और दूसरी फरमाइश होगी आप हमें अच्छी सी जगह से खाना खिलाएंगे। खाना तो पहले हर जगह रेडी होता है ना, पता नहीं लगता क्यों नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी बात है, अच्छी बात है, पता लगे मतलब सेहतमंद बच्ची हूँ यार। सेहतमंद है ठीक है, अब बिल्कुल ही आप मुझे अंडरस्टैंड। और फिर आप मुझे अच्छी जगह से स्वीट डिश भी खिलाएंगे। okay. मतलब आइसक्रीम शक्कर वाला दूध, शक्कर वाला दूध पिला। ये बड़ा दिल चाहता है, अगर तो हम DHS साइड पे जा रहे हैं तो फिर आप पिला सकते हैं अच्छी सी जगह, वैसे मुझे वो पसंद आया था। चलो देखते हैं। ठीक है जी अब हम निकलने लगे हैं, आपकी कोई फरमाइश हो तो आप बता दें। मतलब आपको आपको मैं आप क्या कहेंगे जरा कम कम दुकानों में। अच्छा मैंने एक करीब एक मीम देखा, मैं कहूंगा नहीं वो मैं प्रैक्टिकली करवा दूंगा। चलो गाइस हमारे पास टाइम कम है, अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं और इंशाल्लाह पहुंच के आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। जूते नहीं बंद करने, पहले बंद करके आज अरीब साहब जूते शूते बंद करके। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जिस जगह जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ कपड़े। अरीब साहब मुझे एक चीज पसंद आ चुकी है, जल्दी जल्दी करना है। ये देखिए मुझे पहला ड्रेस ये पसंद आ गया, पता है ठीक है, इसको हम ओके करते हैं। भूख लगी हुई है मुझे, भूख लगी है। आप शॉपिंग कराने आए हैं? मैंने भी लेनी थी वो भी ले लूंगा। ओके फिर हम अभी अभी मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया है। अभी इन्होंने ना लास्ट टाइम मुझे बोला था कि ये लोग हमें डिस्काउंट भी देंगे, तो वो डिस्काउंट वाले भाई की तरह बदल गए। जी मैम मैंने भी अपने लिए चीजें लेनी है। आपने भी लेनी है? हाँ। पहले आपकी देख लेते फिर मेरी। ओके तो ये अच्छी लगी है मुझे, ये बिल्कुल यही कॉम्बो है। लेकिन मेरे पास आया कैसे? ऐसी तो नहीं है बिल्कुल, ऐसी है लेकिन कलर डिफरेंट है। हाँ ऐसी नहीं है आपने कभी पहनी यार? मैं ऐसी पहनी हूँ कभी कभी। क्यों ऐसी नहीं वैसी? क्या ऐसी? हाँ अच्छी लगती है मुझे, अच्छी लग रही है। अरीब ले लें, अरीब अगर हम कहीं नहीं, ये मैं आपको क्यों कहूँगी, ये कलर बोल, ये बोल रही हूँ ये अच्छी लग रही है मुझे, देखते नहीं है ले लें। वैसे आपके पास ग्रे कलर भी कम है ये वाला। यार ये तो मॉल ही बंद होना स्टार्ट हो गया, उन्होंने लाइटें शाइटें बंद कर दी हैं। अभी अरीब की थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई है, थोड़ी बहुत क्या वो लगे हुए वहाँ पे शॉपिंग करने अपनी, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि हम लोग वो लेट गए हैं ठीक है। मेरा जो ड्रेस था वो फाइनल हो गया था और वो हमने रखवाया हुआ है, वो हम जाते में पकड़ लेंगे। आपको चीज़ें आ गई पसंद? मुझे तो मिल गई है लेकिन तुम्हारा तो रह गया, और लेट करो और लेट आओ अरीब। लेकिन ये फिर पेंडिंग रहेगा गाइस, कमेंट बॉक्स में कहें कि अरीब अरीब आप मैं अच्छा खाना खिला दूं, पेंडिंग खत्म हो जाएगी। नहीं ना मुझे शॉपिंग भी तो करना थी ना। आप तो कमेंट बॉक्स में बोलोगे आप मुझे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे चीजें पसंद हो रही हैं किसी और की, शॉपिंग करने आया कोई और था, पसंद हो रही है किसी की, ज्यादती नहीं है। अभी हम लोग जो है ना वो पसंद करें अपने अब्बा के लिए, अब्बा को ये कलर पसंद आया, उनके लिए भी ये ट्रैक सूट एक लिया, नाइट सूट सॉरी अरीब की चॉइस का। अरीब नहीं ऐसे नहीं करना, आपने करना है। मेरी और अंकल की शॉपिंग हो गई यार। ये मर्द हजरात वैसे बिल्कुल ठीक होते हैं ना, इनके ज्यादा खर्चे होते हैं ना, इन लोगों ने ज्यादा चीजें लेनी होती है, और लड़कियों ने सिलेक्शन भी बड़ी मुश्किल से करनी होती है, उनको चीज पसंद आ जाए तो। अरीब जैनब क्यों बन रहे हैं आप? जैनब बिल्कुल ऐसे कर रही होती है, वैसे ज्यादती है मेरे साथ सरासर। और एक दिन हम लोगों को बोला इस टाइम तुम कर रही हो क्या? सारा मॉल बंद हो गया, ये लड़का याशी करते हुए जा रहा है और मेरे हाथ में मेरे अब्बा का बैग। कई बार ऐसा हुआ कि इकरा कुछ लिए बगैर मॉल से जा रही है और पहली बार ऐसा हुआ है, वरना लड़कों की हमेशा शॉपिंग रह जाती है, लड़कियाँ अपना पूरा पूरा कर लेती है। आपको देखो कितनी अच्छी लड़की मिली है कि उसने अपने आप की कुर्बानी देके आपका सेट हो गया। फाइनली हम लोगों ने अरीब की शॉपिंग कर ली है,
सिर्फ फरीब की, ठीक है, जो मेरे नाम का चूना और अंकल की और पापा की, ठीक है, मर्द बस कमाल है, ठीक है, मर्द बस कमाल है, आई अल्लाह फिलोसफर इकरा कवल है, मर्द बस कमाल है। लोग कहते, अब मैं आपको बताऊँ, एक कमेंट आया था, लोग कहते थे इकरा पे, कहते थे अरे भाई बहुत शाये है अरीब, शाये अरीब, शाये अल्लाह जी अरीब साहब का, तो अब इकरा कोई रोस्ट कर रहे होते, लेकिन रोस्ट नहीं करते, प्यार में करो। तो गाइस यानी कि पहले ना झिझकते थे, अब मैंने उनको कम्फर्टेबल कर दिया, अब हम कहाँ से खाना खा रहे हैं, हम चाइनीज खा रहे हैं, हम स्टेक खा रहे हैं, हम जापानीज खा रहे हैं, हम प्रॉन्स खा रहे हैं, और हम क्या खा रहे हैं, इनमें से आपको क्या बनाना आता है हम वो खा लेंगे। अरे वो ये क्या बात है, कसम से मुझे क्या बनाना आता है आपको, उल्लू, जब आइंदा के बाद आपको जो चीज बनानी आएगी ना, हम वो बाहर से खाया करेंगे, ये नहीं, ये नहीं, एक रूल हो जाएगा, नहीं, जो मुझे जो आप सीख लोगी वो हम उस दिन जाया करेंगे बाहर, वो स्पेशल अगले दिन वो चलो स्पेशल वो खाने जाया करेंगे, ठीक है, इस तरह तुम्हें चीजें भी आ जाएंगी और तुम चीजें खा भी लोगी। यार ये मेरे साथ ज्यादा है, वैसे एक बात कहूँ आपको, हाँ जी, जो चीज मुझे बनानी आती है वो मैं पागल हूँ, मैं बाहर से जाके खाऊंगी, वो आपको मेरे हाथों की आपको भी खानी पड़ेगी, तो फिर सोच आपको, मुझे भिंडी पागल मैं कहता नहीं, मुझे उल्लू बुद्धू और मुझे व्लॉग्स बनाने आते हैं, उससे व्लॉग का हूँ मैं, रोटी में नाश्ते में व्लॉग खा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग व्लॉग खा लो। यार अभी हम चल रहे हैं किसी अच्छी जगह से कुछ मजेदार चकाचक खाने के लिए। ये देखिए गाइस, जब आपकी भूखी बहने घर बैठी हो तो उनका क्या मैसेज आता है, कुछ खाने को ले आना प्लीज, जाएंगे कुछ खाने को उनके लिए, पहले खुद तो खा ले। अभी हम सिर्फ मटर गश्त कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं अपने कहाँ पे जाना है, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ, मेरे मुंह कभी टक हो जाती है, जुबान टक हो जाती है। अभी तंग ना करे मुझे, अच्छा रेस्टोरेंट चेक कर लेते, खुला हो तो यहाँ से खाना खा लेते, वरना यहाँ ये चाइनीज है वैसे, नहीं तो फिर KFC खा लेंगे, वैसे फास्ट फूड ही खाएंगे, फास्ट फूड ही खाना पड़ेगा, नहीं तो खुला है, खुला हुआ, खुला हुआ, खुला हुआ, शुक्र है खुला हुआ, कोई अच्छा मजे का चकाचक खाना खाने को मिलेगा। ये लड़का जो है ना, ये ऑर्डर बदलवाने की बात कर रहा है, पहले चेक किया, ऑर्डर कर लिया, पहले रीत साहब ने ऑर्डर कर लिया, बड़े सुकून से कहते लास्ट टाइम गया था मैंने क्या खाया था, मैंने रोस्टेड कैश नट्स वाला खाया था, अभी उनको बुला के कह रहे हैं कि मेरा ऑर्डर चेंज कर दे, मतलब आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तो प्योर सिंपल फूड बोला है, चाउमीन, दैट्स इट। हमारा फर्स्ट स्टार्टर आ चुका है जो कि दिखने में बहुत यम लग रहा है, तो कितना यम बोल रहे हैं, अरे मुझे दिखाया तुमने इसलिए यम बोल, मैंने इनको दिखाया है, अरे कैसा टेस्ट, हमारा ऑर्डर आ चुका है फाइनली, हम लोगों ने खाना खा लिया, निकल गए हैं, सिर्फ खाने का शौक होता है, सिर्फ हाँ जी, ये सारा खाने का सिर्फ शौक होता है, अच्छा ये सारा पैक करवा रहा है, बाकी देखो इतना सारा, थोड़ा सा पैक कराया अरीब, थोड़ा सा ये अरीब, भूख ज्यादा लगती है, भूख करती रहती, खाती हो नहीं, अब पता लग गया मैं स्मार्ट किस वजह से, हाँ, रीजन पता लग गया, मेरी स्मार्टनेस का राज पता चल गया आपको, बेसिकली मैंने पता है जो मेरी भूखी बहन का मैसेज आया ना, मैंने उसके लिए कराया, एक पैकेट उसका और एक मेरा जो मैंने नहीं प्रॉपर खाया, तो अब चलते हैं घर, लेट्स गो। हम लोग पहुंच चुके हैं घर, अरीब को तो बहुत नींद आ रही है, चले अंदर चले, नहीं 12 बज गए, मैं सोचा था इस टाइम सुबह 8 बजे उठते हैं 12 बजे सो जाते हैं, कैन यू इमेजिन कि मेरी रूटीन भी शादी के बाद ये होने वाली है, इंशाल्लाह। अच्छा मैंने ना लोगों को एक चीज दिखाई थी, मैं आपके लिए, मेरे बैग में चीज मुझे मिली थी तो वो मैं आपके लिए लेकर आई, थैंक यू, ये मैंने ना अपने लिए रखी थी अपने बैग में, तो मैंने एकदम देखी तो मैंने बैग चेंज किया, तो मैंने लोगों को कहा कि मैं अरीब को दूंगी, थैंक यू, थैंक यू, अभी खा रहा हूं, ये लो हमने पकड़ लिए हैं अपनी, अरे मेरी बहनों का खाना, उन्होंने मुझे घर ही नहीं घुसने देना, उन्होंने कहना दोबारा मत आना, चलें जी अरीब साहब लगे हैं निकलने, हम देते हैं अपने घर की बेल और चलते हैं जी घर के अंदर, इसके अंदर कॉकरोच, इसको ऊपर करो जल्दी, उसको एक मिनट यार, उसके यहाँ पे कॉकरोच है, रुको अल्लाह की कसम मैंने देखा, भगाओ जल्दी जल्दी जल्दी, जैनब इसके नीचे है मेरे मिनियन, इसके मिनियन के नीचे, जल्दी जल्दी, मैं नहीं सो सकती इधर, अब जैनब नहीं ऊपर आ जाएगा, टेडी के ऊपर आ जाएगा, नहीं कहाँ है, नहीं मैं नहीं आ रही इधर, नहीं नहीं है, नहीं है, नीचे गया नहीं है, अब यहाँ क्या हुआ है, रबिया छिपकली गिरी है, मैंने खुद देखी उधर, यहाँ है कि वहाँ है, यार मैंने खुद देखा यहाँ से चलता हुआ, शुभ मेरा कैमरा बंद था लेकिन वो राबिया के अंदर गिरा, राबिया के ऊपर, मैं घर के अंदर आई हूँ तो घर के अंदर अलग गिरा।
क्या है, चेक करो एक दफा दोबारा। कॉकरोच पता क्या देखने आया था, ये इतने नोट। ओए किधर, ओए अल्लाह ये था, ये बदतमीज। ये देखो, ये था रब्या के पास से निकला है ये वाला कॉकरोच। अच्छा खासा सुकून से मैं एकदम घर के अंदर आई हूँ। मेरे घर के अंदर आते साथ ये पी 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 करे हाथ। वो उधर उस पास के, वो उसके नीचे मेरे बेड पे आके बैठा हुआ था, पास नीचे कंबल के अंदर घुस के। अच्छा छुप के पीछे क्या हुआ? देखो जरा कैसे जान बहक हो रहा है, कैसे जान बहक हो रहा है। मेरा नीचे कहीं गया कॉकरोच, मैंने कहा नीचे गया ना छेड़ो। फिर उसके बाद क्या नाम है, इसने ना व्लॉग में चेक ना अच्छे खासी अमाउंट जमा की हुई, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कितने टोटल बता दो। वैसे इतना अकाउंट क्यों करूं? एक मिनट अभी ये इतने सारे इसने इसमें रखे हुए, बाकियों की ना मोटी मोटी ये देखे गठिया बना सारी ईदी। Yes, I can imagine. बालों के अंदर से बची है ये। अभी तक मुझे अजीब सा बोल रही है, डर हुआ है मेरे दिल में। आप लोग क्यों भी छोड़ गए थे मेरे को, गिरा है वो यार। वो मेरा कैमरा बंद था उस वक्त, मैं मुझे अपने मुंह ध्यान आई, मैंने कहा चलो राबिया अभी आई। यहाँ पर्दे के पीछे था ना वो, बदतमीज आदमी। मैं आपको बताती हूँ कि मानो मोहतरमा किस तरह से पैसे जमा कर रही है, ठीक है? क्या कहती तुम्हें? कहती रहा तुम्हें मुझे कोई बर्थडे गिफ्ट देना, मैंने कहा हाँ देना। कहती तुम ऐसा करो मुझे पैसे दे दो। ये कितनी अच्छी लड़की है, मानो मैं आपको 200 रुपया दे दूंगी, ठीक है? अरे तू जा रहे, उठने का कितना चार्ज करोगे? करोड़ 20,15,000,000। उठ जाओ शाबाश, जल्दी उठ जाओ मेरी जगह से, मेरा बेड खाली करो, कब से भर के बैठी हुई हो? पहले कॉकरोच इंडिया जमाया था, आप आ गई हो। अब मैं जाने लगी हूँ गाइस। ओहो उसका खाना नहीं देखे फातिमा को। किसने मुझे कहा था कि खाली हाथ घर मत आना, तो मैं ले आई हूँ तुम्हारे लिए चाउमीन। गाइस मैं ऊपर आ गई उसको खाना देने के लिए, देखो उबाश औरतों की तरह खाना खा रही, यकीन करे मैं इसकी तरफ कैमरा नहीं कर सकती। तुम्हारी चीजें मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ी, वो एज इट इज बिखरी हुई है। अच्छा डाल के देती हूँ पैसे, बस निकाल लिए तुम्हारे। मैंने मैं आपको दिखाती हूँ उसके बैग में, मुझे पता कितने पैसे मिले, कोई भी नहीं पैसे तो थे ही नहीं। यकीन करो ये टिप थी बस, कितने करो 100 है और गिनो इसको, बाकी सारी मेरी चीजें हैं, मेरा बैग दे दो, मेरे पैसे मत निकाल लेना बीच में से, मैं तुम्हारी जान निकालती हूँ, समझ लेती मेरी चीजों पे मत पंगा लेना। हटाओ इसे, ये मेरा बैग है हीरा, ये मेरा है जो हीरा, ये किराया नहीं है बैग देने का, मेरे पैसे दो वापस, मेरी चीजें अंदर डालो सारी। कितनी तुम बदतमीज हो, मैं अपने कमरे में वापस आ चुकी हूँ, मैंने हीरा का बैग उसको वापस कर दिया है, अपना सारा सामान मैंने अपने प्यारे बैग में शिफ्ट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात होने के लिए ब्लॉग में, अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है, मुझे स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखना है। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।